नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को द रिसर्च यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम जानेंगे नेपाली फिल्म इंडस्ट्री का हैंडसम हंक पल शाह के बचपन से लेकर सुपरस्टार बनने तक और बलात्कार के आरोप से लेकर बाइज्जत बरी होने तक की कहानी। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अहिले का रियल हीरो अर्थात लोकप्रिय अभिनेता पल शाह। पल शाह, पल शाह। पूर्ण विक्रम शाह यानी पल शाह का जन्म 15 सितंबर 1989 को नेपाल के दांग जिला के रामपुर बाजार में हुआ था। उनका पिताजी का नाम नीर बहादुर शाह तो माताजी का नाम सीता मल्ल शाह है। उनका एक छोटी बहन भी है जिनका नाम रोशनी राज्यलक्ष्मी शाह है। पल शाह की बचपन की बात करें तो उनके परिवारजन बताते हैं कि वो बचपन में बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल प्रवृत्ति के थे तो दूसरी ओर वो बहुत ही ज़्यादा जिद्दी भी थे। जिस चीज़ के लिए वो ठान लेते थे वो चीज़ उनको चाहिए ही चाहिए। वो बचपन में कंचे खेलना, दोस्तों के साथ नदी में जाकर तैरना और रेडियो पर नाटक सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे। और फिल्मों की बात करें तो वो राजेश हमाल का बहुत ही बड़े फैन थे। जब भी राजेश हमाल की कोई नई फिल्म आती थी, सिनेमाघरों में लगती थी, तो वो फिल्म देखने जाते ही जाते थे। पल शाह तो बताते हैं कि राजेश हमाल के वो इतने बड़े क्रेजी फैन थे कि जब भी राजेश हमाल का फिल्म लगता था और उनके पास जब पैसे नहीं हुआ करते थे तो वो अपने खुद की दुकान से पैसे चुरा कर भी फिल्म देखने जाते थे, चाहे उसके लिए उनको मार ही खाना क्यों ना पड़ता हो। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पल शाह बचपन में पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट थे। जब वो स्कूलिंग ख़त्म करके पढ़ाई करने के लिए काठमांडू गए तब उनका ध्यान वीडियो एडिटिंग के तरफ जाने लगा, क्योंकि उनका चाचा का लड़का उनके बड़े भाई नेपाल टेलीविज़न में काम किया करते थे। और जब भी वो नेपाल टेलीविज़न में अपने भाई का नाम देखते थे तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते थे। और अपने बड़े भाई की मदद से ही वो वीडियो एडिटिंग की दुनिया में आ गए। उन्होंने 6 महीने तक स्काई म्यूजिक कंपनी में बिना कोई सैलरी का काम किया। फिर उन्होंने नेपाल टेलीविज़न में एडिटिंग का काम करने लगे। उनको पहली बार जो सैलरी मिला था दोस्तों वो था 3500 नेपाली रुपये। वो बहुत ही खुश हुए। 5 साल उन्होंने मीडिया प्लस कंपनी के लिए काम किया। 3500 से लेकर उन्हें 12000 तक की सैलरी मिला। जैसे जैसे उनकी एडिटिंग स्किल डेवलपमेंट होते गया वैसे वैसे उनका जो सैलरी था बढ़ते गया। फिर एक दिन उनको दिल्ली से एक कंपनी में काम करने का ऑफर आया। पल शाह एडिटिंग करने के लिए दिल्ली पहुंच गए। 2.5 साल काम करने के बाद भी उस कंपनी ने पल शाह को पॉकेट खर्च के अलावा कुछ भी सैलरी नहीं दिया। उनको बहुत ही बुरा लगा। वो रोते हुए दिल्ली से ट्रेन पकड़कर नेपाल वापस चले आए। वो वापस आकर बीरगंज के TT TV में काम करने लगे। फिर उनको एक म्यूजिक वीडियो में काम करने का वहीं से ऑफर मिला और इस तरह से उनका पहला म्यूजिक वीडियो बना ये सॉन्ग। सबैले भन्छ प्रेमको रोग लाग्यो तलाई। लेकिन ये गीत उतना हिट नहीं हुआ जिससे पल शाह का कोई पहचान बन सके। लेकिन दोस्तों ये वीडियो पहुंचा एक ऐसे टीम के पास जिनको लगा कि भाई साहब कुछ ना कुछ तो खूबी है इस चेहरे में, ये आने वाले दिनों में सुपरस्टार भी बन सकता है। तो इस तरीके से जब ये वीडियो देखकर उस टीम ने, उस कंपनी ने पल शाह को अप्रोच किया एक और म्यूजिक वीडियो के लिए। जब वो म्यूजिक वीडियो आया भाई साहब, पल शाह का जो करियर है या जिंदगी है उसका काया पलट ही हो गया। दोस्तों ये था वो सॉन्ग। You're my pumpkin, hello honey bunny. I'm your dumpling, hello honey bunny. Feeling something, hello honey bunny toko toko. ये गीत इतना फेमस हुआ कि पल शाह रातों रात सारे लोगों के मोबाइल में दिखने लगे, बजने लगे।
नेपाल में ही नहीं भारत, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, यूके, ऑस्ट्रेलिया आदि इन सब देशों में यह गीत जबरदस्त जलवा दिखाया। पॉल शाह को इसके बाद पीछे मुड़कर कभी भी देखना नहीं पड़ा। वो लगातार 250 से ज़्यादा म्यूजिक वीडियो में काम कर रहे थे, लेकिन अभी तो उनको बहुत ही आगे जाना था। एक दिन अचानक से साल 2016 में उनके पास एक फ़ोन आता है विकेश राज आचार्य का, जिन्होंने 9 न भन्नुला 3 डायरेक्ट किया था और 9 न भन्नुला 4 बनाने के सोच में उन्होंने फ़ोन किया था पॉल शाह को उसमें कास्टिंग करने के लिए। पहली बार रेड कैमरा के आगे जब फेस ऑफ करना था तो पॉल शाह बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे। जैसे तैसे करके अपना काम उन्होंने फिल्म में किया। फिल्म रिलीज हुआ और 9 न भन्नुला 4 सिर्फ इसलिए हिट हो गया क्योंकि पॉल शाह एक बहुत ही जाने माने चेहरा बन चुके थे अपने म्यूजिक वीडियो के दम पर, और इस तरीके से उनका एक्टिंग करियर का शुरुआत हुआ। दोस्तों, जब उनका एक्टिंग करियर शुरू हो रहा था उन्होंने बहुत ऐसे फिल्मों में काम किया। तकरीबन उन्होंने लगातार 6 फिल्मों में काम किया और उसी फिल्मों के दौरान दोस्तों लॉकडाउन हो गया, और लॉकडाउन में पॉल शाह ने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों को मदद किया। जो भी सिनेमा क्षेत्र में काम करते थे, जो स्टैंडमैन हो गए, लाइटमैन हो गए, जिनका काम एकदम से रुक गया था, उनके घर घर जाकर अनाज पहुँचाए वो, राशन पहुँचाए वो, जिनके लिए बहुत सारे लोग उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद भी दिया करते थे। बाय द वे दोस्तों, 9 न भन्नुला 4 के बाद में उनका मयस्तो गीत गाउँछु, जोनी जेंटलमैन, शत्रु गते, वीर विक्रम 2, हृदय भरी, मयस्तो गीत गाउँछु 2 बैक टू बैक हिट होते गया। 25 फरवरी 2022 को उनका फिल्म मयस्तो गीत गाउँछु 2 रिलीज हुआ था और उसके 2 दिन बाद ही 27 फरवरी 2022 को उनको नेपाल पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। उनके ऊपर एक 17 साल के महिला गायिका समीक्षा अधिकारी ने कंप्लेंट किया था कि पॉल शाह ने उनके साथ बलात्कार किया है, लेकिन पॉल शाह नेपाल पुलिस को सरेंडर ना करते हुए फरार हो गए। फरार होने के दौरान पॉल शाह ने एक वीडियो के मार्फत फेसबुक पर जानकारी दिया कि कुछ घरायसी समस्याओं को और हर चीज़ों को व्यवस्थित करके वो खुद पुलिस को सरेंडर कर देंगे, और पॉल शाह ने कुछ ऑडियो क्लिप को भी फेसबुक के मार्फत जारी किया। उसके बाद पता चला कि समीक्षा अधिकारी और पॉल शाह ने तो राजी खुशी शारीरिक संबंध बनाए थे, फिर क्या, लोगों ने एक तरफा सपोर्ट करने लगा पॉल शाह का। अब मामला रेप का नहीं था, लेकिन नेपाली कानून अनुसार 18 वर्ष से नीचे की लड़की के साथ अगर कोई संबंध बनाता है तो वो भी गैर कानूनी है। वैसे तो पॉल शाह को 14 साल की सज़ा हो गया था, लेकिन समीक्षा अधिकारी ने 17 अप्रैल 2022 को कोर्ट में ये स्वीकार किया कि उनको कुछ लोगों ने उसकाया था रेप केस करने के लिए, और जो भी कुछ हुआ था उन दोनों के बीच में वो दोनों की मर्जी से हुआ था। समीक्षा की इस स्टेटमेंट को आधार मानकर पॉल शाह को जो 14 साल का जेल हुआ था उसे कम करके 2.5 साल कर दिया गया। ये एलिगेशन लगाते हुए कि पॉल शाह ने सेक्सुअली अब्यूज़ किया है एक माइनर के साथ में, और दोस्तों इस तरह से एक लोकप्रिय सुपरस्टार को 2.5 साल की सज़ा हो गया। पॉल शाह बताते हैं कि जेल में गुजरे हुए वो पल बहुत ही दर्दनाक रहा, लेकिन बहुत कुछ सीखने को भी मिला जिंदगी से। दोस्तों फाइनली 26 फरवरी 2023 को उन्हें जेल से बाइज्जत बरी कर दिया गया है। फिर से पॉल शाह अपने काम पर वापस आ गए हैं। इस तरह से पॉल शाह के जीवन में उतार चढ़ाव देखना पड़ा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही फुल डिटेल वीडियो किसी भी नेपाली सेलिब्रिटी, व्यक्ति तथा कंपनी के बारे में अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप सभी के साथ और सपोर्ट के ही वजह से आगे ऐसे वीडियो लाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलेगा। मैं मिलूंगा आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ख्याल रखें अपना और अपने चाहने वालों का। धन्यवाद। जय नेपाल।